Good morning, students. How are you? 8th standard. We are studying the science. Your exams are coming, And syllabus is chapter 3 chapters. मैंने आपको दिए हैं crop production and management. Number 2 fiber and plastics जो भी है. And last is the coal and petroleum. 2 chapters we have already revised. हम लोग 2 chapter तो revise कर चुके हैं. And this is the last one. Okay. तो कोल एंड पेट्रोलियम, कोल क्या है, पेट्रोलियम क्या है, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेस. अब नेचुरल रिसोर्सेस क्या है, तो नेचुरल रिसोर्सेस इंक्लूड एवरीथिंग ऑफ नेचर. नेचर की हर वो चीज़, नेचर ओरिजिन, नेचर से बनी हुई हर वो चीज़, लिविंग एंड नॉन लिविंग, एंड विच ह्यूमन बींग्स यूज एंड एन्जॉय, जिससे कि इंसान उसको इस्तेमाल कर सके, उससे एंजॉय कर सके. तो नेचुरल रिसोर्सेज आर द सब्सटेंस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर. नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं जो आपको नेचर से मिलते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज द वेल्थ ऑफ द कंट्री. एक कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री की वेल्थ होती है, उसका धन होता है. एंड इंक्लूड इसमें क्या क्या आता है, एयर आता है, लैंड आता है, वाटर आता है, फॉरेस्ट आते हैं, वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, मिनरल्स एंड वेरियस अदर थिंग्स आते हैं. तो उसके अलावा अगर बात करते हैं तो हमको क्या चाहिए, हमको अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए चाहिए, आपको एयर चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है. जैसे एयर चाहिए आपको रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, कम्बस्टन के लिए चाहिए. वाटर किस लिए चाहिए, आपको अपनी बॉडी की वेरियस जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए चाहिए. सनलाइट आपको किस लिए चाहिए, इरिगेशन, सॉरी वाटर आपको इरिगेशन के लिए भी चाहिए. सनलाइट क्यों चाहिए, विजन के लिए चाहिए, भाई बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, नहीं दिखेगा आपको, मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, मेरे को आपकी शक्ल नहीं दिखेगी. तो विजन के लिए आपको सनलाइट चाहिए. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, बिना लाइट के तो पौधे भी आपके डेवलपमेंट नहीं होंगे. सॉइल चाहिए आपको किसके लिए, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है. तो हर चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है. तो इसी तरह से अर्थ है आपका, सैंड है, स्टोन है, फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सारे के सारे ये क्या है आपके, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज है. उसी तरह के अंदर हमारी एनर्जी की ज़रूरत को, यानी कि इफ़ यू वांट टू गो समवेयर एल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से हम दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हमको क्या होगा, पैदल पैदल तो जाएंगे नहीं, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल माने गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. दूरी है, साइकिल से भी पूरी नहीं हो सकती. और फास्ट वाला जो आज का जो दौर है वो ये है कि कोई इंसान धीरे धीरे नहीं करना चाहता, एवरीबडी वॉन्ट्स अ रेस, एक रेस में शामिल है हर आदमी. तो सपोज़ करिए आपको यहाँ जयपुर है, जोधपुर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप बाय कार जाएंगे, बाय बस जाएंगे, बाय ट्रेन जाएंगे, तो उसके अंदर भी एनर्जी चाहिए. वो किस फॉर्म में चाहिए आपको, कोल और पेट्रोलियम, तो इस रूप में चाहिए. तो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन क्लासीफाई दीज नेचुरल रिसोर्सेज टू टू काइंड. हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में बांट सकते हैं, टू टाइप्स के अंदर बांट सकते हैं. इनएग्जॉस्टिबल, एक तो हो गया इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अनलिमिटेड इन ऑन आवर अर्थ, जो हमारी धरती के ऊपर अनलिमिटेड है, एंड दे विल नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इन फ्यूचर, दैट आर नोन एज द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे आपका अनलिमिटेड क्वान्टिटी में जैसे सनलाइट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, तो दीज आर द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. दूसरा आता है आपका एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू ह्यूमन बींग्स इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, एंड लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द फ्यूचर, फ्यूचर में आने के अंदर हो सकता है कि ये ख़त्म हो जाए. तो दीज आर नोन एज द इन
दीज आर नोन एज द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे आपकी फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, आपकी ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल्स है, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, दीज आर द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऑल दीज फ्यूल्स आर ऑब्टेंड इन मिलियंस ऑफ ईयर, ये सारे जो आपके फ्यूल्स है, मतलब जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, दे आर ऑब्टेंड इन मिलियंस ऑफ ईयर बाई द डिकिंग रिमेन्स ऑफ डेड एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। डेड एनिमल्स है और उनके प्लांट्स है, उससे हमको मिले हैं, उनके सड़ने गलने से दे कन्वर्टेड इंटू द फॉसिल फ्यूल। हमको क्या होता है, फ्यूल में रहता था, उसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। क्यों? क्योंकि वो अवशेष ही तो है। फॉसिल का मतलब क्या होता है? अवशेष, और अवशेष माने रिमेनिंग। जैसे किसी मुर्दे को जलाया जाए तो उसकी हड्डियाँ अवशेष हो जाती है, इसी तरह से यहाँ बची हुई जो चीज़ होती है। तो फॉसिल फ्यूल्स माने अवशेष ही तो है, उनके मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए जानवर जो थे, प्लांट्स थे, उनसे हमको मिला है। अब सबसे पहले आता है कोल। हैव यू सीन द कोल? कोल तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। आज हमारे यहाँ कोल का इस्तेमाल घरों में नहीं होता है। एक वक्त था जब घर के अंदर जो रोटी बनती है उसको कोयले में ही बनती थी। तो आज भी अगर आप जो रूरल एरिया में चले जाएँ, या कभी आपने भुट्टे सेकने वाली लेडी को देखा है रोड्स के वहाँ पे भुट्टे सेकते हुए रहते हैं, तो वहाँ पे वो कोयले की अंगीठी जलाते हैं। या फिर आपने उसको देखा है जो बैंगल्स बनाते हैं लाख के, तो वो भी क्या करते हैं, उसको जोड़ने के लिए भट्टी होती है छोटी सी, ठीक है, छोटे होता है लेकिन उसमें कोयला डलता है, ठीक है। तो कोल क्या होता है, कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता था, आज हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, आज हम ज़्यादातर गैस का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज इट प्रोड्यूसेस इज लॉट ऑफ स्मोक एंड फॉल स्मेलिंग गैसेस, बहुत धुआं निकलता था और एक इरिटेशन हो जाती है ना, वैसी एक स्मेल सी आती थी जिसके कारण एयर पॉल्यूशन होता था। कोयला कैसा होता है, काले कलर का होता है, ठीक है, और अलग एक पत्थर जैसा होता है, वो कच्चा पत्थर भी हो सकता है और पक्का पत्थर भी हो सकता है। तो आज जो कोयला होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पर इस्तेमाल होता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। इन एडिशन टू कोल इज़ यूज्ड इन द फ्यूल्स इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में भी एज अ फ्यूल होता है, इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट के प्लांट जो बने हुए होते हैं, ब्रिकलिंग्स जो ईंटें बनाने की बड़ी बड़ी भट्टियाँ हैं, सीमेंट बनाने का फैक्ट्रीज है, तो वहाँ पर कोयले का इस्तेमाल आज होता है। हमारे घरों से जो कोयला था वो भट्टियों तक पहुँच गया, मतलब हम लोग घरों में इस्तेमाल नहीं कर रहे। ऑकरेंस ऑफ कोल, कोल कहाँ पाया जाता है? कोल इज़ फाउंड डीप अंडर द अर्थ, तो धरती के बिल्कुल अंदर पाया जाता है, बहुत गहरा पाया जाता है। जो मेजर कोल माइंस है वो कहाँ से? आपके वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ पर पाए जाते हैं। और ज़्यादातर जो मोस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोल माइंस आर फाउंड इन द झारिया एंड बोकारो इन द झारखंड एंड रानीगंज इन द वेस्ट बंगाल। रानी वेस्ट बंगाल में, रानीगंज में और झारखंड में है, झारिया और बोकारो में। अब आता है हाउ इज कोल फाउंड, कोल कैसे बना? मिलियंस ऑफ ईयर ग्रो ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर और एनी अदर रीजन मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट ब्यूरिड अंडर द अर्थ। आफ्टर द टाइम पासिस they got buried deep and deep under the earth, millions of and there will be a lot of pressure on it, unke upar bahut zyada pressure tha, and absence of air, due to lot of pressure and absence of air they get converted into the coal, aur yahi aapke kya hua coal banta hai। agar dekha jaye to bahut saalon pehle kisi bhi prakritik musibat se ya koi bhi karan se jo sara ka sara aapka प्लांट एनिमल सारे के सारे क्या हो गए, जमींदोज हो गए, ज़मीन के अंदर धंस गए, तो उस समय में उसके ऊपर और चलते गए उसके ऊपर प्रेशर पड़ता गया, एंड ड्यू टू एक्सेस प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ हीट दे कन्वर्टेड इनटू द कोल, और इस तरह से हमको जो होता है वो कोयला आपको मिल गया। अब आता है आपका कोल। कोल इज प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्री टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट लाइक, जैसे कोक है, कोल तार है, कोल गैस है। कोक कोयला जो होता है उसको हम कहते हैं कोल। कोल को क्या करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने से आपको क्या क्या मिलेगा, कोल तार मिलेगा, कोल तार मिलेगा, कोक मिलेगा और कोल गैस मिलेगा। कोक मिलेगा और कोल गैस मिलेगी। तो अब अगर देखी जाए तो सबसे पहले आता है आपका
कोयला क्या होता है? कोयला जो होता है कोक, सबसे पहले होता है कोक। कोक जो होता है सॉलिड रेजिड्यू है बिहाइंड लेफ्ट बिहाइंड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, मतलब कि कोल को जो होता है हीटिंग करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, और उसके अंदर कोल जो होता है सिंपल सब्सटेंस में बदल जाता है। दैट इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बाद में जो आपका कोक मिलता है वो कोक कैसा होता है? इट बर्न्स इजीली, टफ होता है, ब्लैक होता है, पोरस होता है, बर्न्स इजीली, आसानी से बल जाता है। लेकिन ये कहता है इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक लाइक कोल, कोयले की तरह से धुआं नहीं देता है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को निकालने में, स्टील को बनाने में काम आता है, और जो आर्टिफिशियल ग्रेफाइट बनाना है उसमें काम में आता है, और कुछ फ्यूल गैसेस जैसे वाटर गैस बनानी है तो उसमें भी ये काम में आता है। दूसरा नंबर आता है कोल तार। कोल तार को हिंदी में हम बोलते हैं डामर। आपने देखा होगा पहले सड़कें बनती थी तो कोल तार की बनती थी, ब्लैक कलर का होता है, थिक होता है, ऑयली लिक्विड होता है, और दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस, 200 सब्सटेंसेस का ये मिक्सचर होता है। इट इज़ यूज टू मेक नेफ्थलीन बॉल्स विच इज़ अ मोथ रिप्लेंट। जो नेफ्थलीन बॉल्स नहीं होती है जिसको हम सर्दी के वक्त के अंदर हमारे ऊनी कपड़ों के बीच में रखते हैं, तो वो बनाने में काम में आती है। और इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, एक्सप्लोसिव्स होते हैं विस्फोटक पदार्थ, जैसे कि आपका होता है TNT है, ड्रग्स है, और परफ्यूम बनाना TNT है ना, तो उसके बाद में ड्रग्स बनाने में काम में आता है, परफ्यूम में आता है, आपका प्लास्टिक में आता है, फोटोग्राफिक मटेरियल में भी कोल तार का इस्तेमाल होता है। तीसरा प्रोडक्ट मिलता है आपका कोल गैस। कोल गैस क्या होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल वी गेट द गैस दैट इज द कोल गैस। कोल से जब हम कोक बनाते हैं तो उस समय में हमको एक गैस मिलती है जो कि कोल गैस होती है, और इट इज़ यूज एज द एल्यूमिनेंट ए फ्यूल फॉर द इंडस्ट्रियल लोकेटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट होती है उसके आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे जो इंडस्ट्री लगी होती है वो उसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करती है। कोल गैस वॉज फर्स्ट यूज इन द लंदन फॉर स्ट्रीट लाइटिंग इन 1810। इसके अंदर लंदन में जो स्ट्रीट लाइट जलती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया गया था, और न्यूयॉर्क में उसके 10 साल बाद में यानी 1820 में। व्हाट इज द कार्बोनाइजेशन? कार्बोनाइजेशन व्हाट इज द कार्बोनाइजेशन? कार्बोनाइजेशन क्या है? द स्लो कन्वर्जन ऑफ वुड इंटू कोल बाय अ बायोकेमिकल प्रोसेस एक्सटेंडिंग ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें लकड़ी आपका धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लेकर कोयले में बदल जाती है बाय अ बायोकेमिकल प्रोसेस। समझ में आया? बाय अ वैन the wood convert into coal by a biochemical process extending over millions of years। कई साल लगाकर जब आपका जो लकड़ी होती है वो कोयले में बदल जाती है तो जो स्लो कन्वर्जन है ये उसी को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। अब देखिए टाइप्स ऑफ कोल। कोल भी कई टाइप के होते हैं, चार तरह के होते हैं, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट एंड विटामिन्स। तो चार तरह के कोयले होते हैं। डिफरेंट वेराइटी और को ऑफ कोल डिपेंड ऑन हाउ लॉन्ग एंड एट व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वेजिटेबल फॉसिल आर ब्यूरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कौन सा कोयला किस तरह का है वो डिपेंड करता है कि वो कोयला वो वेजिटेबल सॉरी कितने समय तक, कितने प्रेशर तक, कितने टेम्परेचर तक वो धरती के अंदर रही। एट द हायर टेम्परेचर द प्रेशर, हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर मिला द अर्थ ऑफ द अर्थ द लॉन्गर द टाइम फॉर विच इज ब्यूरीड अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जितना ज़्यादा टाइम लिया, जितना ज़्यादा प्रेशर था, जितना ज़्यादा टेम्परेचर था, द मोर दैट हैज द मोर कार्बन कंटेंट इन इट, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा। और अलग अलग जो कोल की वेराइटी होती है वो डिफरेंट डिफर होती है, किसमें कार्बन कंटेंट अलग अलग होता है, मॉइस्चर अलग अलग होता है। तो
अब बात करते हैं हम प्रोसेसिंग ऑफ कोल। कोल के हमने चार आपको बता दिए, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट एंड विटोमिन्स। पीट जो होता है वो सबसे हल्के क्वालिटी का होता है, लाइट ब्राउन होता है, केवल 50-60% तक इसमें कार्बन होता है। लिग्नाइट जो होता है पीट के बाद में आता है लिग्नाइट, और इसके अंदर 60% जो होता है वो कार्बन होता है। विटोमिन्स आता है थर्ड स्टेज है, इसके अंदर पीट, लिग्नाइट, विटोमिन्स 80% तक इसमें कार्बन होता है और 70-80% तक होता है। लास्ट आता है आपका एंथ्रेसाइट, ओल्डेस्ट वेराइटी ऑफ द कोल, मतलब जो जितने लंबे तक, सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक जो रहता है वो लास्ट में बनता है आपका एंथ्रेसाइट, और इट कंटेन्स 90-95% ऑफ कार्बन। इसमें 90-95% तक आपका कार्बन होता है। प्रोसेसिंग ऑफ कोल, कोल की अगर प्रोसेसिंग बात करते हैं तो ऑल वेराइटी ऑफ कोल कंटेंट वॉलेटाइल कंपाउंड ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की मात्रा हर तरह के जो कोयला होता है उसमें अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बड़े मीनिंगफुल होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर लॉस्ट इफ द कोल इज स्ट्रेट वे बर्न, अगर हमने कोयले को डायरेक्ट सीधा जला लिया तो क्या होगा, ये जितने भी इसमें कोल में जो कंपोनेंट्स होंगे वो सारे के सारे जल जाएंगे, कंपाउंड्स जो भी होंगे जल जाएंगे। और अगर हम लोग कोल को जो डिस्ट्रिक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस में डालेंगे तो कोल जो हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। डिस्ट्रिक्टिव डिस्टिलेशन मतलब कोयले को आपने हवा की एब्सेंस में गर्म किया, हीट किया, दीज कंपाउंड्स कैन बी रिकवर्ड। अब आप उसको हम क्या करते हैं, आसानी से रिकवर कर लेते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो आपको क्या मिला, आपको कोक मिल गया। एक्टिविटी वन, आप डू इट योर सेल्फ, ओके, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन इन योर प्रीवियस क्लास, मैं पहले आपको समझा सकती हूँ, अब दोबारा नहीं बताऊँगी। यूजेज ऑफ कोक, कोक के क्या यूजेज है, मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस, पहला नंबर वाटर गैस में काम में आती है, दूसरा नंबर हाउस होल्ड के अंदर काम में आता है, फ्यूल के अंदर, तीसरा नंबर होता है ग्रेफाइट के बनाने में काम में आता है, और नंबर चार होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आता है, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, टिन है, जिंक है, एज एन द एक्सलेंट रिड्यूसिंग एजेंट। अब दूसरा नंबर है यूजेज ऑफ कार्बन गैस, कार्बन गैस, कार्बन का क्या इस्तेमाल होता है। अब इसके अंदर देखा जाए तो कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन जो होता है वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फॉर ड्राई सेल्स, जो ड्राई सेल्स आते हैं उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बनाने में काम में आता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रोड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फॉर्म इज मॉल्टन बॉक्साइट ओर। एल्यूमिनियम जो होता है आपको एल्यूमिनियम फॉर्म में नहीं मिलती है, बल्कि एक ओर में मिलती है, ओर मतलब ORE, ओर मतलब मॉल्टन बॉक्साइट, मॉल्टन पिघला हुआ बॉक्साइट होता है, उसको ही हम रिफाइन करके एल्यूमिनियम निकालते हैं, और इस काम में आता है आपका गैस कार्बन। अब आता है यूजेज ऑफ कोल टार, जो हमने बताया था डामर जो बताता है उसके अंदर किसमें होता है, स्मेलिंग होती है, फॉल स्मेलिंग होती है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक ब्राउन सा लिक्विड होता है, और जब इसको फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन में डालते हैं तो यूजफुल केमिकल्स मिलते हैं हमको, कौन कौन से, बेंजीन, टाइलून, एंथ्रासाइट, फिनॉल, नेप्थिलिन, ये सारे के सारे निकल जाते हैं। दीज केमिकल्स आर वाइडली यूज फॉर मेकिंग, किसके लिए, डाइज कलर बनाने में, ड्रग्स बनाने में, और एक्सप्लोजिव वन के विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम में आता है। जैसे आपका टाइलून हो गया, DDT बनाने में काम में आता है, बेंजीन BSC पाउडर होता है एक, वो बनाने में काम में आता है, जो एक इंसेक्टिसाइड्स है। टाइलून जो होता है वो TNT बनाने में, TNT मालूम है, जो आतंकवादी भी इस्तेमाल करते हैं उसको, समझ रहे, विस्फोटक पदार्थ, बम ब्लास्टिंग में भी इसका काम में आता है। और एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज्ड इन द कार्टिलेज ऑफ गन्स, जो गन्स बंदूक का जो कार्ट्रिज बनाते हैं उसमें काम में आता है। अब उसके बाद में यूजेज ऑफ कोल गैस, कोल गैस का अगर इस्तेमाल करते हैं तो स्लाइटली फॉल स्मेल आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कोल गैस जो होती है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, एंड इट इज़ प्योरीफाइड एंड यूज एज अ हाउस होल्ड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल होती है, लेकिन उन फैक्ट्रीज में होती है, उन इंडस्ट्रीज में होती है विच आर लोकेटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कोल प्रोसेसिंग यूनिट के बिल्कुल पास में है। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप द चैप्टर, वी विल रिवाइज द चैप्टर इन रिविजन टू नेक्स्ट टाइम। ओके, स्टे एट योर होम एंड बी सेफ।